नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नंदिनी प्रिया। बीपीएससी ने किया बड़ा बदलाव, अब निजी कॉलेजों में नहीं होगा परीक्षा का सेंटर, वहीं 15 मई को होगी सीडीपीओ की परीक्षा। बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में, तीनों के मोबाइल का डाटा रिकवर करने में जुटी पुलिस, फॉरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट के लिए जारी सहायता। पटना विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने से करोड़ों की क्षति, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग लगने से 5वां, 6ठा और 7वां फ्लोर क्षतिग्रस्त, आगजनी में कई विभागों के दफ्तर जलकर राख। विश्वेश्वरैया भवन में 7 सदस्यीय एक्सपर्ट की पहुंची टीम, आग लगी की घटना को लेकर एक्सपर्ट कर रही जांच करने के बाद सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। पटना में 7वें चरण के शिक्षण नियोजन को लेकर प्रदर्शन, कटोरा लेकर बीजेपी कार्यालय में सीटीईटी बीटीईटी अभ्यर्थी कर रहे हंगामा। गोपालगंज में ताड़ के पेड़ पर लटका मिला ढेर का शव, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी, बोरे थाना क्षेत्र के बनकटवा माल गांव की यह घटना। गोपालगंज में 2 बाइकों की हुई टक्कर, दुर्घटना में बाइक सवार 5 लोग हुए जख्मी, वहीं 2 के इलाज के दौरान हुई मौत। शादी समारोह से लौटने के दौरान हुआ हादसा, मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के केशव गौरा जैन बाबा के स्थान के पास की यह घटना। बगहा में निजी स्कूल का पलटा, मैजिक वैन हादसे में 1 दर्जन बच्चे हुए जख्मी, घायल बच्चे को स्थानीय पीएचसी और अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया भर्ती, वही चालक वैन छोड़कर हुआ फरार, चौतरवा थाना के पतिलाल गांव की यह घटना। नालंदा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना में 0.5 दर्जन लोग हुए जख्मी, पुलिस ने दोनों पक्षों से 13 लोगों को किया गिरफ्तार, बिहार थाना क्षेत्र के नदी मोड़ की यह घटना। मुजफ्फरपुर में पेड़ से लटका मिला शव मिलने से इलाके में मचा सनसनी, सरैया थाना क्षेत्र के रेवा बांध की यह घटना। वैशाली में अपराधियों का बड़ा आतंक, कोचिंग से लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, घटनास्थल पर महुआ पुलिस पहुंच जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट के घटना को दिया अंजाम, बंगरा पट्टी साई निवासी मुकेश पांडे से 83,000 कैश समेत अन्य सामान लूट कर हुए फरार, कांटी थाना क्षेत्र के मैसाहा शमशान घाट के समीप का है मामला। पटना जेडीयू कार्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम, आम लोगों की समस्याओं का मंत्री ने किया समाधान, जनसंवाद में मंत्री बीरेंद्र यादव, शीला मंडल और मदन सैन भी मौजूद। पटना बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम, मंत्री प्रमोद कुमार, नारायण प्रसाद रहे मौजूद, फरियादियों की समस्याओं का मंत्री ने की निराकरण। सिवान में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई मौत, वही एक घायल, जीबी नगर थाना क्षेत्र के नथनपुरा की यह घटना। बेगूसराय पुलिस ने हथियार के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, बलिया थाना पुलिस ने लखमीनिया गांव में की कार्रवाई। रोसड़ा में लापता वृद्ध का शव हुआ बरामद, आक्रोशितों ने शव के साथ किया सड़क जाम, सहायक थाना क्षेत्र के बोरस गांव का है मामला, वही शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बिहार के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी, अगले 5 दिनों तक हीट वेव से मिलेगी राहत, ज्यादातर जिलों में होगी बारिश और चलेगी हवाएं। अभी के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपने सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।